हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे. तो सबसे पहले तो सॉरी, सबसे पहले चैलेंज बीच में ही छोड़ने के लिए. तो मैंने सोचा कि कल मैं आप लोगों को वीडियो पे बता दूंगी कि मैं आप कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी ये चैलेंज को, बीच में छोड़ रही हूँ. तो कल टाइम ही नहीं मिल पाया. सब कुछ ऐसे अचानक अचानक से ऐसे हो रहा था कि घर जाने का प्लान बन गया. अभी मैं घर जा रही हूँ अपने. सो बेसिकली मैं बता दूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और बस मैं अभी हिमाचल जाऊँगी. मतलब आज की ट्रेन है, कल ही. मतलब इतना जल्दी जल्दी ट्रेन का टिकट करवाया, फिर उसके बाद जाने का प्लान बना जल्दी जल्दी से. तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि मैं घर चली जाती हूँ. वैसे मेरा प्लान था नहीं दिवाली में घर जाने का, और इतने जल्दी दिवाली से पहले इसलिए जा रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है. मतलब घर जाके थोड़ा चेकअप वगैरह कराना है. तो मम्मी पापा ने बोला कि थोड़ा जल्दी आ जाओ, हॉस्पिटल वगैरह भी जा लेंगे. और यहाँ पर तो कोई ऐसे हॉस्पिटल जाने का बन नहीं रहा था. मतलब तबीयत में से कुछ असर नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा कि घर जाके अच्छे से चेकअप वगैरह करवा लेती हूँ. और दिवाली पे भी, मतलब दिवाली पे भी घर पे होंगे. और सबसे बड़ी बात, मैं 1.5 साल से घर नहीं गई हूँ. मतलब फर्स्ट ड्रॉप जब मेरा था यहाँ पे, तो मैंने फर्स्ट ड्रॉप में भी पूरा, मतलब एक बार भी मैं घर नहीं गई थी. मम्मी पापा आए थे मिलने के लिए. और उसके बाद अभी देखो सेकंड ड्रॉप जो है अभी कंप्लीट होने वाला है, मतलब नवंबर दिसंबर, उसके बाद पूरा साल खत्म हो जाएगा. मतलब ये दूसरा साल है मेरा. तो मैं 2 साल के अंदर अंदर का बीच में बिल्कुल भी घर नहीं गई हूँ. और मेरा भी मन नहीं था कि मैं घर जाऊँ ऐसे, पर ऐसे तबीयत ख़राब होने की वजह से पेरेंट्स भी अब घर पे बुला रहे हैं हमको. तो बहुत जल्दी, मतलब मैं नहीं जाने वाली थी घर, पर इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि बताने का मौका भी नहीं मिला. और ये चैलेंज को मैंने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि जब मैं अगर घर जाऊंगी तो सबसे पहले तो मुझे जाने में टाइम लगता है. देखो हिमाचल प्रदेश यहाँ से आई थिंक 1500 किलोमीटर दूर है, तो बीच में ट्रेन में 2 दिन लगता है हमको घर जाने को. तो उसके बीच में मैं ना वीडियो अपलोड कर पाऊंगी, मतलब कैसे करूंगी, कब करूंगी, कोई टाइमिंग नहीं रहेगा. बनाना क्या हिसाब रहेगा कुछ मेरे को नहीं पता, इसीलिए वो चैलेंज तो उस टाइम पे ही मतलब स्किप हो जाता मुझसे. तो मैंने सोचा कि इससे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है. और बस, और थोड़ा सा ऐसा है कि हिमाचल जाऊंगी तो आप लोगों को भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा वहाँ का. जो हिमाचल से नहीं है और हिमाचल नहीं गए हैं उनके लिए तो बहुत कुछ नया दिखाऊंगी मैं, हमारे यहाँ का कल्चर वगैरह. और बहुत कुछ मैं आप लोगों को नया दिखाने की कोशिश करूंगी जितना मुझसे हो सकता है. और मेरे पेरेंट्स से मिलवाऊंगी आप लोगों को. और बहुत कुछ है हिमाचल में देखने लायक, मतलब पहाड़ होगा. हाँ ना, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हम हिमाचल से हैं ना, तो हम बर्फ़ के बीच में ही रहते होंगे. जैसे अक्टूबर अभी चल रहा, तो अक्टूबर में भी बर्फ़ आती होगी. बर्फ़ तो खैर नहीं होगा अभी इस टाइम पे, पर हाँ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा. मतलब यहाँ पे तो इतना गर्मी है कोटा में, पर हिमाचल प्रदेश में जहाँ से मैं हूँ किन्नौर से, तो वहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड है. सो बस अभी मेरे को घर जाने का भी मन था, मतलब अचानक से ऐसे प्लान बन गया सब कुछ. तो बताने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि मैं बता पाऊँ आप लोगों को कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है. और चैलेंज को बीच में छोड़ दिया फिर मैंने. बस इसीलिए यही रीज़न था कि मैं घर जाके भी पता नहीं, वहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे तो वाईफाई का सीन होता है, वहाँ पे ऐसे वाईफाई वगैरह ऐसा सा कुछ भी नहीं होता. और घर पे कब अपलोड करूँगी, कैसे अपलोड करूँगी, एक बार मेरे को खुद भी देखना पड़ेगा कि कितने कितने बजे मैं अपलोड कर पाऊँगी वीडियो. मैं अपनी फैमिली से 2 साल से नहीं मिली हूँ, तो मैं अपने फैमिली के साथ भी रहना चाहती हूँ, थोड़ा टाइम उनके साथ रहूँ. और ऐसे नहीं कि मैं आप लोग को नहीं दिखाऊंगी, वीडियो पे मैं पूरा दिखाऊंगी, बट ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं हो पाएगा कि हाँ मैं इसी टाइम पे व्लॉग अपलोड करूंगी या कुछ भी. और ऐसे कैमरा उठा के ऐसे व्लॉग बनाना भी बहुत ऑकवर्ड सा लगेगा, अभी फर्स्ट टाइम है. यहाँ पे आने के बाद ही मैंने ऐसे व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की है. तो बस मैं अपने पेरेंट्स से मिलवाऊंगी आप लोगों को प्यारे प्यारे वीडियोज़ हिमाचल की. बहुत टाइम हो गया, मैं हिमाचल भी नहीं देखा ही नहीं मैंने. 2 साल से मैंने अपना घर नहीं देखा है, 2 साल से अपना रूम वगैरह सब कुछ. बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने घर जाने के लिए. तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी, बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग्स आएंगे अब से. बाकी सॉरी, लास्ट बार सॉरी कि मैं नहीं कंप्लीट कर पाई इस चैलेंज को. और मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर दिन व्लॉग अपलोड करूं, क्योंकि मैं भी आप लोगों को दिखाना चाहती हूं हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ का सब कुछ, रहना सहना, हम कैसे रहते हैं हिमाचल में. और देखो यहाँ की तरह बिल्कुल भी नहीं होता, हम एकदम यहाँ के ना अपोजिट है. एकदम यहाँ का रहना, हमारी लैंग्वेज, हम कैसे इसमें बात करते हैं, हमारा कैसा सब कुछ रहता है, बात करने का तरीका सब कुछ, मतलब यहाँ की एकदम अपोजिट है, एकदम अपोजिट. तो होप सो आप लोगों को पसंद आए. वैसे तो हिमाचल किसको अच्छा नहीं लगा, लोग घूमने आते हैं, मैं वहाँ से हूँ. सो बस, और सॉरी बाकी अभी मुझे, सॉरी हाँ सबसे पहली बात, और मुझे अभी जाना है मम्मी पापा के लिए कुछ ख़रीदने को.
क्योंकि मैं पहले सोच रही थी कि जितना मैं YouTube से कमा लेती हूँ, मतलब जितना मेरा YouTube का इनकम है, तो मैं पहले मम्मी पापा को कैश दूंगी, मतलब मम्मी पापा को ऐसे दूंगी हाथ पे कि हाँ लो, ले लो करते हुए. बट अब मैं घर जा रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि उन लोगों के लिए कुछ ले करके जाऊँ जितना मुझसे हो सकता है अभी. तो मैं उन लोगों के लिए कुछ खरीदने जाऊँगी अभी. तो मैं अभी जाऊँगी सिटी मॉल या तो अलवालिया मॉल में, तो वहाँ पे देखते हैं कि कुछ मिल जाए मुझे मम्मी पापा के लिए तो अच्छा है. वैसे वो लोग बहुत सिंपल है, मतलब इतना सिंपल सिंपल कपड़े पहनते कि शायद से मुझे यहाँ पे मिलेगा. जितना मैंने खैर देख रखा है यहाँ पे इतने सिंपल कपड़े मिलते नहीं है, पर देख लेते हैं. उन लोगों के लिए कुछ खरीद के आऊँगी, मतलब अपने पैसों का. मैं इतनी एक्साइटेड हो रहा हूँ उन लोगों को देने के लिए कि यार कुछ तो मैं अपने पैसों का दे पाऊँगी उन लोगों को. आज तक उन लोगों ने हमारे को दिया, तो आज पहली बार ऐसा होगा कि मैं अपने पैसों से उन लोगों को कुछ दूंगी. अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या पसंद आएगा उन लोगों के लिए, देखते हैं. अभी मैं जा रही हूँ मॉल में कुछ खरीदने के लिए, तो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, दिखाते रहूंगी कि मैं क्या क्या खरीद रही हूँ उन लोगों को. और हाँ, मैंने ना एक कोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था जो कि है टारगेट कोर्स नीट प्रेप का. तो मैंने सोचा कि चलो यार एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ ये नीट प्रेप एप्लीकेशन को. तो जब मैंने इसको चेक किया, लिटरली ये ऐप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया सच में. चाहे आप कहीं पे भी पढ़ते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहां से कर सकते हो, बहुत सही ऐप है. बिकॉज इसमें बहुत सारे अमेजिंग से फीचर है जिससे कि हम अपने प्रिपरेशन को जो है एकदम नेक्स्ट लेवल में ले जा सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. और इसके कुछ फीचर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ. जैसे कि आपको इसके सारे सब्जेक्ट के assertion reason, PYQs और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसको कि आपको सॉल्व करना रहता है. और कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमको कुछ क्वेश्चन जो है समझ नहीं आता, हम आगे बढ़ जाते हैं, मतलब वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोगों को इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ और उसको अच्छे से कर पाओ ताकि क्वेश्चन ना छोड़ो. एक और फीचर के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ. इसमें एक फ्लैश कार्ड नाम की चीज़ है जिससे कि हम सभी सब्जेक्ट के आराम से फ्लैश कार्ड के थ्रू जो है रिविजन कर सकते हैं. एंड ऑल्सो आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल रही है जिसमें कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट दे सकते हैं. सीरियसली अभी मैंने खुद ट्राई किया इसको, बहुत सही सही क्वेश्चन है इसमें. और इसमें हमको एक DPB जनरेटर नाम की एक चीज़ मिलती है जिससे कि हम कोई भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करके उसका DPB जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो एक टॉपिक का हो या दो टॉपिक का. इसका मतलब ये है कि तुमने जो भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक पढ़ाओ उसके हिसाब से DPB जनरेटर से अपना DPB जनरेट कर सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, चाहे वो आपने कोई सा भी टॉपिक या कोई सा भी चैप्टर पढ़ा हुआ हो. और एक बहुत अमेजिंग सा फीचर के बारे में बताती हूँ इस ऐप के बारे में. हमने इसमें टारगेट भी सेट कर सकते हैं सारे चैप्टर्स के जो हमने प्रैक्टिस करने है. सो ये सब चीजें ना आप खुद जाके ट्राई कर सकते हो, खुद जाके चेक कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जाके चेक कर लेना कैसे कैसे एनरोल करना है, सब कुछ उसमें बताया हुआ है. तो एक बार जाके जरूर ट्राई करो, बहुत मस्त ऐप है सीरियसली, एक बार जाके जरूर ट्राई करना. ओके, मैं आ चुकी हूँ मॉल से और अब मैं स्टार्ट करूँगी पैकिंग करना, क्योंकि मैंने ना पैकिंग की है ना मैंने कुछ किया है अभी तक. और रूम भी ऐसे ही बिखरा पड़ा है, पीछे देखो ऐसे ही पूरा बिखरा पड़ा है. तो अभी मेरे को सब कुछ सही करना पड़ेगा, क्योंकि जाने से पहले एक बार रूम वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद तो पता नहीं कब आऊँगी. आई थिंक 20-25 दिन के बाद ही आऊँगी अब तो मैं घर. और इतने मुश्किल से कुछ मिला है ना मुझे, मतलब मम्मी पापा के लिए इतना डिफ़िकल्ट होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है. मतलब मैंने आज तक ना खुद के लिए भी कपड़े नहीं लिए थे जब मैं घर पे थी. मतलब प्लस टू तक जो मम्मी लाती थी, मम्मी खुद अपने अंदाजे से लेके आती थी, वही मैं पहन लेती थी. ऐसे कभी खुद के लिए भी नहीं खरीदा ना आज. पहली बार ऐसा कहते ना पहला एक्सपीरियंस कि मम्मी पापा को खुद के पैसों से कुछ खरीद के देना, मतलब अच्छा भी लग रहा है बहुत. और एक तो मेरे पापा इतने सिंपल है, मेरी मम्मी तो फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे पहन लेते हैं, पर मेरे पापा इतने सिंपल है कि यहाँ पे उनके लिए कपड़े नहीं मिल रहा था मुझे. मैं जूडियो चले गई, ट्रेंड्स, मतलब सब जगह देख लिया, पर कहीं मेरे को कुछ ऐसा मिला नहीं पापा के लिए. पर हाँ, एक शर्ट लिया है, देखते हैं वो पापा को पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पापा इतने ज़्यादा सिंपल कपड़े पहनते ना, इतने ज़्यादा. मुझे तो उनका ऐसा समझ भी नहीं आ रहा था कि ये लूँ वो लूँ क्या लूँ, यही समझ में नहीं आ रहा था. और ना मेरे को साइज ऐसा खास पता है, तो आज तक अपने लिए नहीं लिया था. अब पहली बार खुद से दे रही हूँ पापा मम्मी को. और
देखते हैं उनको पसंद आएगा कि नहीं, फिट आएगा कि नहीं ये भी नहीं पता है अभी मुझे। और ना मैं घर जाने वाली हूँ, तो देखो मेरे ना फेस पे कितने सारे पिंपल निकल गए। अभी तक फेस सही था, पर हाँ अब मैं पैकिंग वगैरह करूँगी, फिर उसके बाद ये वीडियो ना मैं आज ही अपलोड कर दूँगी, क्योंकि ट्रेन में तो नेटवर्क होगा नहीं, तो जाने से पहले मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, 8 बजे के करीब मैं अपलोड कर दूँगी। और मैं हाँ 8 या 8:30 बजे के करीब मैं भी निकल जाऊँगी यहाँ से, तो बस फिर कुछ दिन के बाद ही आऊँगी इस रूम में, कुछ दिन ये रूम बंद रहेगा। और 1.5 साल के बाद घर जा रही हूँ ना, तो अलग सा ही वो लग रहा है कि कैसे क्या होगा। एक्साइटेड भी हूँ, पर सुबह से ना इतना कंफ्यूज हुई हूँ ना काम में, इधर काम उधर काम, बहुत कुछ था अभी तक करने का, तो बस सब काम ख़त्म कर दिया अभी मैंने। अब मैं रूम के सफाई वगैरह करूँगी, फिर थोड़ा बहुत पैकिंग वगैरह करने का है। मेरे मम्मी ने तो पहले ही बोल दिया कि ज़्यादा कपड़े मत लेकर के आना, पर थोड़े बहुत कपड़े मैं लेकर के जाऊँगी। मुझे नहीं पता मेरे घर पे कौन कौन से कपड़े हैं अभी कि नहीं। बस फिर ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी आप लोग अब हिमाचल के व्लॉग्स देखोगे इसके बाद जो भी अब व्लॉग आएगा। और लास्ट बार सॉरी कि मैंने वो चैलेंज को तोड़ दिया, पर ठीक है, आप लोगों को प्यारे प्यारे व्लॉग लेकर के आऊँगी। अब पता नहीं, मैं डेली व्लॉग लेके आने की कोशिश तो करूँगी, बट अब प्रॉमिस तो नहीं करूँगी, देखते हैं जितना हो सकता है मैं लेकर के आऊँगी। और बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ जो हिमाचल से नहीं है उनको मैं हिमाचल दिखाऊँगी, अपना जहाँ से मैं हूँ वहाँ का रहना, कैसे हम लोग रहते हैं मैं भी भूल चुकी हूँ। देखते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे भी अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हाँ चलो ठीक है। तो बस अब हिमाचल के व्लॉग्स आएंगे, देखते रहना, बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग बनाते रहूँगी आप लोगों के लिए। और बहुत कुछ दिखाऊंगी, हमारे यहाँ का कल्चर दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसा कैसा होता है, और क्या क्या करूँगी मैं पूरा दिन, हम क्या क्या कैसे कैसे खाना वगैरह सब कुछ रहता है, क्या स्पेशल है वहाँ का, जो भी स्पेशल चीज़ें हैं और जगह पहाड़, मतलब मैं भी यहाँ पे ना सब प्लेन होता है, सब कुछ ऐसा प्लेन है ना पहाड़, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ पहाड़ देखने के लिए कि वहाँ के रोड कैसे रहते हैं, वहाँ के रोड यहाँ की तरह नहीं होते बिल्कुल भी। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको यहीं पे एंड करती हूँ मैं। और बस हिमाचल के ब्लॉग्स आएंगे, बहुत प्यारे प्यारे से, देखते रहना, ठीक है।